अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और क्रेश कोर्स चाहते हैं, क्लास 12 का क्रेश कोर्स चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपका संपूर्ण क्रेश कोर्स का क्लास हो जाएगा और संपूर्ण तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ग्राफ, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप ग्राफ बनाना चाहते हो, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, इसके लिए आप ग्राफ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है कि बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी तरह से ग्राफ को बनाने के लिए हम जानेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो आप ग्राफ बनाने में मिस नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझते, वीडियो को दो या तीन बार देखें। तो चलिए, जैसे हम लोग क्लास 10th में ग्राफ बना चुके हैं, जैसे ग्राफ के लिए जैसे एक्स वाई प्लेन खींचते हैं, ये आपका वाई हो गया, ये वाई डैश, ये क्या हो गया एक्स, और ये क्या हो गया एक्स डैश हो गया ना, ये ओरिजिन हो गया, समझ गया। तो जीरो जीरो लेते हैं ना। अब देखो एक्स वाई का मान मालूम हो, ये ग्राफ खींचने के लिए जानते हो ना, जैसे एक्स वाई का मान मालूम है, यहाँ पर आपको हो गया टू, ये थ्री, ये थ्री, ये क्या हो गया फोर हो गया ना, तो इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं ना जी, लाइन खींचेंगे ना जी। तो देखो एक्स का मान क्या है, दो, जैसे काट लो, ये एक हो गया, ये क्या हो गया दो, ये क्या हो गया तीन, ये क्या हो गया चार, एक दो, ये तीन, और ये क्या हो गया चार तक ले लिए, क्योंकि चार तक यहाँ पर है, एकदम चार तक काट लो ग्राफ। ये जो देख रहे हो लाइन पर हम चार बिंदु काट लिए हैं। अब देखो x का मान क्या है, दो है ना, तो ये यहाँ पर देख दिए। y का मान क्या है, तीन, तो y के तीन पर देखो, तो देखो इसको ऐसे हम सोचो कि हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, इसको जो हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ कटेगा, यहीं पर न कटेगा, समझ गया ना। तो यही हो गया कि ये जो आपको होता है बिंदु, समझ गया ना, जैसे x बराबर ये क्या है टू है ना, इसको हम निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये y का मान यहाँ पर क्या है तीन है ना, इनको भी क्या बोलते हैं निर्देशांक। तो इसके सम्मिलित पॉइंट जो होगा कहाँ पर होगा, यहीं पर ना बनेगा, इस पॉइंट का कुछ भी नाम जैसे ए नाम रख दिए, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा बोलो, दो तीन में होगा। फिर देखो x का मान क्या है तीन है ना, तो x देखो x पर देखो x का मान तीन, तो x पर तीन देखना है, देख लिए। अब y का मान देखो क्या होता है चार, तो y पर चार देखो, ये y n हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर समझो कि कट रहा है, ये कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, इस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, जी देते हैं ना, और तीन चार, ये आपको हो गया तीन चार, पहले x का मान बाद में y का मान। फिर हम क्या करते हैं कि रेखा को ऐसे इस बिंदु होते हुए खींच देते हैं, मिला देते हैं ना, ये इस प्रकार से खींचा जाता है ना, तो ये आप पूर्व से ही एकदम खींचने के लिए जान चुके हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना, यहाँ पर क्या करना है ग्राफ खींचना है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लास 10th में आप क्या करते थे, रंगते थे, नहीं रंगते थे, यहाँ पर आपको रंगना है, रंगना है, उसके बाद जो है निकालना है कि एकदम किस बिंदु पर जो है ना जेड का मान महत्तम है या न्यूनतम मान है, समझ गया ना, ये चीज आपको निकालना होता है जेड का मान, समझ गया ना, न्यूनतम कहेगा तो किस बिंदु पर आपको मान न्यूनतम प्राप्त होता है, जेड का मान जो है जेड का समीकरण दिया रहेगा, तो किस बिंदु पर जेड का मान कम प्राप्त होता है, तो उसका क्या हो गया हल हो गया, नहीं हो गया जी, मान के चलो कि बिंदु ए पर जेड का मान न्यूनतम प्राप्त हो गया है, सवाल भी वही कह रहा है, तो वह उसका हल हो गया, वह कि नहीं हुआ। अब देखो ये चीज तो हो चुका है, अब इसमें देखो ये तो आपको समीकरण के रूप में, ये समीकरण का खींच दिया है ना, अभी तक तो आप लोग समीकरण नहीं जानते आओ आए हो, जैसे टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर क्या रहता था फोर, ऐसे करके नहीं रहता था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या जानेंगे, जैसे लीनियर, लीनियर इन इक्वेलिटी, समझ गया ना, लीनियर इन इक्वेलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं रैखिक असमीकाएं, क्लास 11th में हम क्या बोलते हैं रैखिक असमीकाएं, और क्लास 12th में क्या बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, तो देखो यहीं पर हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन,
समझ गया ना। अच्छा इनइक्वालिटी, असमीका और असमीकरण एक ही चीज होता है, समझ गया ना। जैसे मान के लोग हम क्या लिखते हैं, ए एक्स जोड़ बी वाई प्लस सी, ये लेस देन जीरो, इसको हम क्या लिनियर इनइक्वालिटी बोले, रेखी को असमीका बोलो कि रेखी को समीकरण बोलो, एक ही चीज ना हुआ। तो देखो अलेवेंथ में हम क्या पढ़ते हैं, लिनियर इन इक्वेलिटी, और ट्वेल्थ में हम क्या पढ़ते हैं, लिनियर इन इक्वेशन, समझ गया ना। तो इसमें नहीं ना एकदम कंफ्यूज होगा, ये इन इक्वेलिटीज और इन इक्वेशन, ये इतना हुआ, ये तो अभी तक था, समझ गया ना। अब इन इक्वेशन के आधार पर जो आपको इन इक्वेशन दिया रहेगा, एलपीपी का जो प्रॉब्लम है, अब इसको हम देखेंगे थोड़ा सा, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं लिनियर इन इक्वेलिटी। इसको इसको क्लास टेंथ में जो पढ़ा था ना, देखो ये x का मान देखो, जैसे क्या है 2 है ना, x पर दो बिंदु ले लिया, और y का मान क्या है 3 है, तो y पर क्या लेगा 3 से काट लिए ना, दोनों कैसे खींचेगा, समझो कि वो खुट्टा है यहाँ पर गाड़ रहे हैं, बांस गाड़ते हैं, ये बांस इधर जाएगा यहाँ पर गाड़ दी, इधर जाएगा नहीं जाएगा जी, तो दोनों कहाँ मिलेगा, समझो कि पॉइंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसी पॉइंट का नाम होगा 2-3, समझ गया ना। 2 और 3 को क्या बोलते हैं हम, निर्देशन, निर्देश देने वाला, स्थान बताने वाला, समझ गया ना। ये हो गया, उसके बाद ये 3-4 है ना, तो एक्स पर क्या काटोगे 3 और वाई पर क्या काटोगे, ऐसे लंबा एक लाइन खींचोगे, जहाँ कटेगा वही उसका क्या होगा, बिंदु होगा, वही उसका क्या। इन इक्वेलिटीज में इसका भी हम 4 फॉर्म आपको दिखा देते हैं, जैसे ये जो होता है आपको पहला फॉर्म, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे लेस देन सी, दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हो, ए एक्स जोड़ बी वाई ग्रेटर देन सी, तीसरा फॉर्म आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स जोड़ बी वाई लेस इक्वल टू सी, और ए एक्स जोड़ बी वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया ना। ये 4 फॉर्म है, ये 4 फॉर्म है। अब ये चारों फॉर्म तो इसी प्रकार से आपको इन इक्वेशन दिया रहेगा, चारों फॉर्म में नहीं, 4 को समीकरण भी इन इक्वेशन दे सकता है, नहीं समझ गया, ये 4 इन इक्वेशन भी आपको दे सकते हैं आपके सवाल एलपीपी प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे इसको समीकरण में संगत समीकरण बना लेना, इसको क्या करना है, संगत समीकरण बना लेंगे, बना लेने के बाद जैसे आप क्लास टेंथ में ग्राफ खींचते थे उसी प्रकार से दिए गए समीकरण का क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। खींचने के बाद अब रंगेगा कैसे, तो इसके लिए देखो ये कंडीशन आपको यहाँ पर 0 एक्स का मान 0 वाई का मान 0 रख के हम पता करेंगे कि कौन किधर रंगाएगा, मूल बिंदु की ओर रंगाएगा कि मूल बिंदु की बाहर रंगाएगा। तो चलो हम पहला हम देख लेते हैं, जैसे ये ग्राफ कैसे हम खींच दिए एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे मान के चलो 2x प्लस ये 4y लेस देन क्या है, 8 है ना। अब क्या करोगे, पहले इसको ये जो आपको इनइक्वेलिटी दिया है, इनइक्वेलिटी या इन इक्वेशन जो बोलो दिया है, इनका संगत समीकरण लिख लोगे, क्या लिख लोगे, ऐसे लिखोगे संगत समीकरण, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, इसका संगत समीकरण क्या होगा, 2x प्लस 4y 8 हो गया ना, 2x प्लस 4y बराबर 8। अब क्या करो, y का मान 0 रख दो, y का मान क्या करो 0 रख दो, तो y का मान 0 रख दिया तो पूछो के 8, x का मान क्या आ गया 4, तो एगो बिंदु क्या बन गया 4-0, पहले किसका मान रखते हैं x का, किसका मान रखते हैं। अब क्या करना है इसमें, जो है की 2 रेखा जब काटेगा तभी काट करके निकालना, समझ गया ना, तो x y का मान 0 रख करके ही बिंदु निकालना। चलिए ये हम ऐसा कर दिए, अब किसका मान 0 रखना है, x का, तो y का मान क्या होगा 4 दुनी 8,
तो इसका बिंदु क्या होगा बोलो? जीरो और दो, जीरो दो हो गया। ये अब ग्राफ पर जो है चार तक को आए ना, ये चार बिंदु काट लेते हैं लाइन पर, एक दो तीन चार हो गया ना, एक दो तीन चार, एक ये दो ये तीन ये चार हो गया ना। तो इधर नेगेटिव, सब नेगेटिव लगा दोगे ना, हालांकि नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमको प्राप्त नहीं। देखो ये निर्देशांक में जो है कि नेगेटिव साइन लगा हुआ नहीं है, तो इधर लिखो नहीं भी लिखो कोई जरूरत नहीं है। एक दो तीन और ये क्या हो गया चार। तो देखो ये चार जीरो है ना, ना एक्स पर चार, एक्स पर चार। आप देखो ये क्या है वाई का मान जीरो, तो इस पर तो वाई का मान जीरो होगा ही, तो इसका नाम क्या रखे हैं ए, ये चार जीरो हो गया। ये बी जीरो टू है ना, इस पर देखिए ये रखेंगे आप यहाँ पर जीरो टू हो गया ना। ये हो गया, ऐसे एक लाइन आप खींच लिए। खींचने के बाद अब आप देखिए कि किधर ये रंग आएगा, ये रंग आएगा ये किधर, समझ गया ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन और दे देगा तुमको, एक्स वाई का मान क्या है, ये जो है जीरो से बड़ा है, एक्स वाई का मान क्या है जीरो से बड़ा है। इससे यह होता है कि अब जो है ना रंग आएगा इसी बीच में रहेगा, नहीं तो इधरों रंग आ जाता, समझ गया ना। तो आप देखो सिंपल नियम क्या करोगे, ये असमीका में एक्स का मान जीरो वाई का मान क्या करो जीरो रख देना है। देखो यहाँ पर एक्स का मान जीरो रखोगे और यहाँ पर जीरो रखोगे, तो जीरो जोड़ क्या हो गया जीरो, ये एट हो गया ना, तो ये जीरो जीरो जो होगा आठ से क्या होगा, ये सही है कि गलत है, ये सही है लिखा हुआ कि गलत है, सही है ना। तो ये जो है मूल बिंदु जीरो जीरो असमिका को संतुष्ट किया कि नहीं किया, कर दिया ना संतुष्ट, असमिका को क्या कर दिया संतुष्ट कर दिया। जब असमिका को संतुष्ट कर दिया तो जो ये जो है ना छायांकित भाग होगा किसके ओर, मतलब हल क्षेत्र किसके ओर होगा मूल बिंदु की ओर, क्योंकि मूल बिंदु संतुष्ट कर दिया है, तो संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु से बाहर होगा। जैसे ये संतुष्ट कर दिया ना तो अब किधर रंग आएगा, ऐसे रंग आएगा। अच्छा एक चीज अब लाइन देखो, इसमें देखो इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें इक्वल टू लगा हुआ है नहीं है, इस असमीका में इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं खुला अर्ध तल, क्या बोलते हैं खुला अर्ध तल। तो देखो खुला में आप क्या करो लाइन या तो डॉटेड लाइन खींचो, कौन लाइन खींचोगे अगर इक्वल टू नहीं रहेगा लगा हुआ तो कौन लाइन खींचोगे डॉटेड। अगर डॉटेड लाइन तुमको खींचने का मन नहीं है, जैसे हम डायरेक्टेड लाइन खींच दिए, डॉटेड लाइन आपने नहीं खींचा, डायरेक्टेड लाइन खींच दिया डायरेक्टेड लाइन, तब जो एकदम छायांकित भाग करेगा तो इससे हटा करके थोड़ा सा, समझ गया ना, इस सटने के लिए इस लाइन में नहीं देगा, ऐसे कर दिया, समझ गया ना। अगर जो यही तुम ऐसे करके डॉटेड लाइन खींचता तो इससे एकदम सटा करके एकदम रंगता, समझ गया ना। क्योंकि जब कभी मान इसका प्राप्त होगा तो आठ से कम में होगा, 7.99 तक हो सकता है ना जी, लेकिन एकदम आठ तक तो नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए इसमें सटा नहीं सकता है। या तो इस लाइन को डॉटेड लाइन में खींचो या नहीं तो एकदम छायांकित करो, तो इससे हटा करके थोड़ा करो। तो समझ चुका है कि छायांकित कैसे करते हैं, ये सटना नहीं चाहिए। डॉटेड तो सटा सकते हैं, हाँ डॉटेड अगर लाइन खींच दिया तो सटा सकता है। अगर मान के चलो कि अब ये सब मामला आ जाएगा जैसे इक्वल टू वाला, तो ऐसे एकदम इसमें सटा करके ये रंग के, समझ गया ना। देखो ये इस प्रकार इस फॉर्म में रहे, समझ गया ना, इस फॉर्म में रहे, इसे हम क्या कहते हैं खुला अर्थ तल, क्या कहते हैं खुला, और ये इस फॉर्म में रहे जिसे हम क्या कहते हैं बंद अर्थ तल, समझ गया ना। ये हो चुका है,
अब चलो हम सवाल की ओर, जो एलपीपी का सवाल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसको हम सॉल्व करते हैं, समझ गया। और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे आप लोग देखोगे। लाओ तो चार संगत समीकरण बनाएगा, कितने संगत समीकरण बनाएगा? चार 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 इनिक्वेशन है तो कितने समीकरण बनेंगे? चार बनेंगे, समझ गया ना। तो मान के चलो कि चार को संगत समीकरण बन गया, चार में रेखा भी तो चार को तो रेखा भी तो खींचेगा, नहीं खींचेगा? तो मान के चलो कि चार रेखा ऐसे खींचा गया, इस प्रकार से ऐसे खींचा गया ना। जी अब कहीं कर्णन बिंदु है मान के, इसका कॉमन पॉइंट है किसी का? नहीं नहीं जी, कहीं भी नहीं है। तो मान के चलो कि करेगा क्या कि सौ में जो है कि जीरो जीरो रख करके, मान रख करके देखेगा कि जीरो जीरो जो है किसको संतुष्ट कर रहा है, किसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जिसको संतुष्ट करेगा, मान के चलो कि ये रेखा संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया ना, तो ये इसका एकदम किधर गिरेगा? नीचे की ओर होगा ना, हल क्षेत्र। अब मान के चलो कि ये रेखा संतुष्ट नहीं किया, ये ऊपर चला गया, तो इधर इससे नीचे रंगाएगा नहीं रंगाएगा, समझ गया ना। उसके बाद देखो ये रेखा है, ये जो है कि ये ऊपर की ओर रंग रहा है, ये रेखा क्या कर रहा है? नीचे की ओर, तो इस बीच को रंग देगा। ये तो ये फॉर्म हो गया। अब मान के चलो कि ये चार रेखा ऐसे हो, समझ गया ना, ये ऐसे हो, ये ऐसे खिंचा दे, ऐसे खिंचा गया गया ना। तो फिर क्या करेगा कि मूल बिंदु वाला मान जीरो जीरो रख करके सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करने के बाद देखेगा किस पार्ट में आता है, समझ गया ना, इसका कॉमन पॉइंट क्या आता है उसको रंगेगा, समझ गया। अगर मान के चलो कि आपको इस प्रकार से 2x + y ये लेस देन 4, 2x + y < 4, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेगा। इसको सोल्व करने के लिए इसका संगत समीकरण लिखना होगा, 2x + y = क्या होगा? 4 हो गया ना। फिर x का मान रखेगा 0, उसके बाद y का मान निकालेगा 4 आएगा ना। तो इस प्रकार से एक आप लाइन खींच लोगे, ऐसे खींच लिए लाइन, इस प्रकार से ये लाइन खींचा गया। खिंचाने के बाद जो है, अब देखो खिंचाने के बाद इसमें जीरो जीरो रखो, ये यहाँ पर जीरो रखते हैं, यहाँ पर भी जीरो रखते हैं, तो जीरो हो गया ना। ये सेटिस्फाई करता है? कर दिया। जीरो से देखो सेटिस्फाई कर दिया ना, सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो अब जो रंगेगा किधर रंगेगा? इस रेखा अंदर, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, छोटा मान है जी, तो इसमें डोडेट नहीं खींच सकते हो, और नहीं तो इससे थोड़ा सा हटा करके, कोई कंडीशन नहीं है तो एकदम इधर भी खींच सकता है। अगर ये कंडीशन रहता है कि एक्स वाई का मान जो है जीरो से बड़ा है, न इधर इसको इधर निकालता, न इसको इधर निकालता, समझ गया इसको। अच्छा इसी में जो चार लाइन खींचा है तो सबका होता है ना जी, ये कटान बिंदु नहीं होता है, तो सबको कटा कटा करके मान निकालेगा। हालांकि सबका एक ही है, समझ गया ना, एक ही बिंदु पर अगर मिल रहा है तो सबका एक ही मान आएगा, दोनों समीकरण को सोल्व करेगा, तो समझ गया ना। ये देखो इस कट रहा है ना, इस प्रकार से कट जाए तो दो ही समीकरण, इसको या इसको ही सोल्व करके इसका मान निकाल लो। इसको और इसको सोल्व करेगा फिर भी उतना ही मान आएगा, इसको सोल्व करेगा फिर भी उतना ही मान आएगा, इसको और इसको सोल्व करेगा फिर भी उतना ही मान आएगा। तो इसलिए इसमें क्या करना है, अगर इस प्रकार से चार रेखा का एक ही कटान बिंदु हो तो किसी दो को ही सोल्व करो, समझ गया ना। ऐसा नहीं कि सबको सोल्व करते रहना, सबको सोल्व करते रहेगा तो सबका मान तो एक ही आएगा ना। कभी कभी क्या होगा इसमें देखो, ऐसे है ना, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक रेखा गुजर रहा है। अब देखो एक रेखा ऐसे गुजर जाएगा, एक रेखा ऐसे गुजर जाए
तो देखो ये यहाँ पर कॉमन पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया, समझ गया ना। तो देखो इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए क्या करेगा, इस रेखा के समीकरण को हल करोगे। इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इस रेखा के समीकरण को हल करेगा, हल करोगे। इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इस रेखा के समीकरण को हल करोगे। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, अब समय कैसे बचेगा एग्जाम में, तो समय को भी एकदम बचाना होगा जी। जब देखो इस बिंदु को निकालने से पहले आप क्या करना, इस पार्ट को रंग जरूर लेना, समझ गया ना। मान के चलो कि हमको यही पार्ट रंगाया, हमको जो है यही पार्ट रंगाया, तो हमको कितने बिंदु से मतलब है, तीन बिंदु, इसी बिंदु से मतलब है। तब जो तुम इसका पॉइंट निकालने के लिए दिमाग लगाओगे, इसका निकालने के लिए दिमाग लगाओगे, तुम्हारा समय वैसे जाएगा नहीं जाएगा। अगर मान के चलो कि ये पॉइंट रंगाया तो तुमको कितने बिंदु का आवश्यकता है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, किसी तीन बिंदु को, हाँ। तो तब क्या करना, तब तो तुमको ये तीनों निकालना होगा, नहीं होगा। अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए तो किसको निकालेगा, सिर्फ दो ही समीकरण को सोल्व करेगा, इसको ही, समझ गया ना। अब फंसेगा भी नहीं, फंसेगा फंसेगा भी, फिर भी इस लड़का का एकदम क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। चलो ये इस प्रकार से रेखा है, समझ गया ना। पीछे अगर मान के चलो कि हम इस प्रकार से घुमा दे, इसको इस प्रकार से घुमा दे, तो यहाँ पर जीरो रखेगा, यहाँ पर जीरो रखेगा, तो देखो संतुष्ट किया उस समीका को नहीं किया, तो रंगाएगा किधर, ऊपर की ओर रंगाएगा, किधर रंगाएगा, ऊपर। अब समझ चुका है, ये चार गो वाला आंसर बता, जैसे किसको छोड़ कर किसको सटा, ये चार गो जोर समझे, ये खुला बन गया बोले से, किसी को सटा कर डॉट डॉट लाइन, अच्छा हाँ, किसको किसको करना। देखो मान के चलो कि ये है, ये है ना, इनके लिए अगर मान के चलो कि इस प्रकार से, अभी तो ये इक्वेशन है इसी प्रकार से ना, इसी फॉर्म में ना, इसके फॉर्म में है ना, ये इक्वेशन किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, हाँ ऐसे दिया रहेगा, अभी नहीं देखा, दिया रहता है ऐसे डॉट डॉट करके खींचेगा, मतलब रेखा से सटा करके ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचेगा जी, समझ गया ना। अगर मान के चलो कि अगर तुम डायरेक्ट रेखा खींचे तो खींच दिए ना, तो रंगेंगे जो तब हम ऐसे ऐसे करके रहेंगे, पूरा सटने के लिए नहीं देंगे रेखा में, समझ गया ना, पूरा सटने के लिए नहीं देंगे। अगर मान के चलो कि इसके लिए तुम जो है कि डॉटेड लाइन खींच दिया, ऐसे डॉट डॉट करके खींच दिया ना, तब क्या करोगे, इस रेखे से एकदम सटा के एकदम रंगो ना, यही दो क्योंकि इक्वल टू नहीं है जी, इक्वल टू मान चलो इसके लिए खींचोगे, ऐसे हो गया ना, तो एकदम सटा खींचो ना, इक्वल टू वाला सटा कर नहीं, इक्वल टू में ना सटेगा, और जहाँ पर इक्वल टू नहीं है वहाँ पर सटेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, समझ गया ना, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, हिंदी क्या हो गया, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। आप देखो जेड बराबर आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, जेड बराबर यहाँ पर क्या है, 200x + 500y है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या होता है इंग्लिश में, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन, समझ गया ना। तो इसी आपको ऐसा बिंदु प्राप्त करना है, इन इक्वेशन दिया रहेगा ना जी, तो क्या करेगा, ग्राफ खींचेगा और जो फिजिबल रीजन होगा उनसे सटे बिंदु को रख करके देखेगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किस पर मान जो है जेड का कम आता है, समझ गया ना। तो यहाँ पर है कि जेड का न्यूनतमीकरण करने के लिए, क्या है, जेड का न्यूनतमीकरण मतलब मिनी माइ, कहीं रहता है क्या कि अधिकतमीकरण, समझ गया ना। तो जिस बिंदु पर जेड का मान अधिक आ गया तो समझ गया कि अधिकतमीकरण उस बिंदु पर हो गया जेड का कि नहीं हो गया, हो गया ना, और जिस बिंदु पर कम आ गया तो उस बिंदु पर क्या हो गया, न्यूनतमीकरण। ये आपको इन इक्वेशन इस प्रकार से दिया रहेगा, यहाँ पर दो ही इन इक्वेशन है, आपको तीन इन इक्वेशन भी दिए रह सकते हैं, समझ गया ना।
आपको तीन इनिक्वेशन भी दिए रह सकते हैं। तो देखो ये दो इनिक्वेशन है, अब ये यहाँ पर देख सकते हो एक्स वाई ये ग्रेटर इक्वल टू क्या है जीरो, जिसका अर्थ है कि एक्स वाई का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखो ये जो इनिक्वेशन आपको दो इनिक्वेशन दिया है इनको इनका क्या करो कि संगत समीकरण निकाल लो। तो इनका संगत समीकरण क्या होगा ये देखो ग्रेटर इक्वल टू है ना, यहाँ पर बराबर कर देगा समीकरण में क्या करते हैं बराबर, ये इनइक्वालिटीज है ना जी कोष्मिका है ना, यहाँ पर हम बराबर कर दिए तो इसका क्या हो गया संगत समीकरण हो गया। अब देखो y का मान हम क्या करते हैं जीरो रखते हैं, जीरो रख दिए तो x का मान क्या आया 10। उसके बाद देखो तो ये आपको पॉइंट क्या बन गया 10 जीरो, फिर x का मान हम क्या रखते हैं जीरो तो y का मान क्या आया 5, पॉइंट भी क्या बना 0.5 बन गया ना। फिर देखो रेखीय कोष्मिका तो है ना, रेखीय कोष्मिका क्या है दो है, इस रेखीय कोष्मिका दो इसे यहाँ पर हम लिख लिए हैं, इसका संगत समीकरण क्या होगा देखो 3x ये जोड़ हो गया ये क्या हो गया 4y ये बराबर क्या हो गया 24 हो गया ना। अब देखो y का मान हम क्या रखते हैं जीरो, x का मान क्या होगा 8 होगा ना, तो देखो पॉइंट सी क्या बनेगा 8 जीरो होगा ना। उसके बाद x का मान अब क्या रखोगे जीरो, y का मान क्या होगा 6, d का मान क्या हो गया 0.6 हो गया, d का मान क्या हो गया 0.6। अब देखिए इस जो है इक्वेशन से आप ये दो पॉइंट बनाए हैं ना, तो ये दो पॉइंट दोनों पॉइंट का स्थान निर्धारित कीजिए, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर बैठेगा तो पॉइंट ए 10 0 कहाँ बैठेगा देखो ए पर 10 काटेगा यानी x का मान 10, 10 0 का मतलब क्या हो गया x का मान 10 y का मान 0 तो यहाँ पर बैठा क्योंकि यहाँ पर बिंदु 10 निर्धारित किए हैं, ये क्या हो गया 10 0 क्योंकि इसी पर ना y 0 होगा। फिर देखो ये आपको जो है 0.5 तो कहाँ पर निर्धारित होगा यहाँ पर देखो 0.5 दे दिए, आप ये दोनों बिंदु को क्या करो मिला दो, मिला दिए तो एक लाइन खींचा गया कि नहीं खींचा गया, खींच दिए लाइन। उसके बाद देखिए लाइन खींचने के बाद इनका समीकरण, इनका समीकरण देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ इसके नीचे में आ गया था क्योंकि समीकरण पहले लिखे थे, इसका समीकरण लिख दीजिए कि एक्स प्लस 2y बराबर क्या है 10 है। फिर देखिए अब इसका मामला बचा है समझ गया ना, अब इस रेखा को खींच दो तो देखो इसका बिंदु क्या है 8 0 और 0 6, तो x का मान क्या हो गया 8 और y का मान क्या हो गया 0। तो देखो x का मान 8 यहाँ पर हुआ ना और y का मान 0 इसी पर ना आएगा तो इसका नाम हम सी रखे तो है 8 0 हो गया ना। उसके बाद देखो 0 6 है ना, तो यहाँ पर d का मान ले लिए 0 6 हो गया, दोनों लाइन को हम क्या किए ये दोनों बिंदु को हम क्या किए मिला दिए, देखो एक रेखा खींचा गया कि नहीं खींचा गया। अब करना है क्या कि रंगना है, रंगना भी नहीं जी, इसका हल क्षेत्र, हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र मतलब क्या हो गया मान के चलो कि हल मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि इस समीकरण का हल क्या होगा, जैसे x और y का मान रखोगे ऐसा x y का मान रखोगे जो इसको संतुष्ट करेगा तो वही पॉइंट ने इसका हल होगा जी, एक को मान नहीं हो सकता है अनेक न मान हो सकते हैं। तो चलो अब इस असमिका में आपको क्या करना है जीरो जीरो रखना है, एक्स का मान जीरो और वाई का भी मान जीरो, तो जीरो जीरो रख दिए। ये देखो जीरो जो होगा 10 से कभी भी बड़ा होगा नहीं ना, तो बराबर होगा। तो ये जो आपको मूल बिंदु है ये इनको संतुष्ट किया, मूल बिंदु इन इक्वेशन को संतुष्ट किया नहीं किया, तो इसका अर्थ है कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, इसका हल क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु की बाहर होगा, मूल बिंदु की क्या होगा बाहर होगा। उसके बाद देखिए इनका काम तमाम जैसे किसके लिए बाहर होगा इन इक्वेशन के लिए, इसका रेखा क्या है, इसका संगत समीकरण से जो हम रेखा बनाए एक्स जोड़ 2y इज इक्वल टू 10, तो ये आपको ये रेखा होगा
ये रेखान हुआ जी, ये ऐसे जी खींचे हैं, ये न हुआ। तो मूल बिंदु अगर मान के चलो किस रेखा के अंदर हम रंग से हैं, तो मूल बिंदु की ओर न हो गया, लेकिन ये रेखा क्या कर रहा है, बाहर की ओर ना, क्यों? क्योंकि ओसमिका को संतुष्ट नहीं किया, ये ऐसे चीन ऐसे खींच दिए, खींच दिए। उसके बाद इसमें जीरो जीरो रखो, यहाँ पर एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, तो जीरो जोड़ जीरो, देखो यहाँ पर रखे है ना जीरो जोड़ जीरो, तो ये संतुष्ट कर न दिया, ये क्या किया, संतुष्ट कर दिया। इसका क्षेत्र जो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की और होगा। बोलो इस इन इक्वेशन से जो समीकरण बनाए हैं उसका रेखा क्या है, कौन रेखा है, बोलो। ये रेखा है, ये रेखा है, नाम देते हैं इसको, फर्स्ट देते हैं इसको, नाम दे देते हैं, कौन है, फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला है, मारेंगे सेकंड वाला ना, कौन है, सेकंड वाला। तो देखो इस रेखा के बाहर की ओर रंग आएगा, और इस रेखा के किसके ओर रंग आएगा, अंदर की ओर न रंग आएगा। अब देखो अब रंगेगा किस भाग को, यहाँ पर मामला अटकता है ना, किस भाग को रंगेगा। अगर मान के चलो कि ये रेखा कह रहा है कि इसके अंदर रंगो, क्या कर रहा है, अगर इसके अंदर रख देता है तो, लेकिन ये तो विरोध कर रहा है, ये रेखा यहाँ से जो एकदम कट के इधर चला गया है, ये तो कह रहा है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर न रंगा जाना चाहिए। अगर तुम इस रेखा के अनुसार चल के इधर अंदर रख देते हो तो ये रेखा ने विरोध कर दिया। अब सोचो कि कहाँ पर रंगोगे, तो इसका अर्थ एक गो हो गया कि ये जो कॉमन पार्ट आया, ये देख रहे हो इसको जो हम रंगे हैं, ये रंगे हैं, इस यह कॉमन पार्ट रंगाएगा। तो इसमें देखो तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान के चलो इसमें अगर रखते हैं तो देखो इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या कंडीशन फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि ये रेखा कह रहा है कि यहीं से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस पार्ट को रंगेगा तो इसके नीचे ना आ जाएगा, ये पार्ट तो नहीं रंगाएगा फाइनली। अब ये पार्ट रंगाएगा कि नहीं रंगाएगा, अगर ये रेखा कह रहा है नीचे की ओर होना चाहिए, अगर नीचे की ओर रंग दिए तो देखो इस रेखा से नीचे, इस रेखा से भी नीचे आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन ये रेखा क्या करे, ऊपर की ओर ना होना चाहिए। तो इसके अगर यहाँ से हम रंगेंगे तो ये रेखा क्या किया, विरोध कर दिया ना। अब देखो इसमें देखो ये एकदम पूरा फ्लो कर रहा है, कैसे, तो ई रेखा कह रहा है कि ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर हो गया, ई रेखा कह रहा है नीचे की ओर होना, दोनों आ गया ना, तो कॉमन क्षेत्र यही न हुआ जी, न हो गया कॉमन क्षेत्र यही। अब देखो अब जो कॉमन हल क्षेत्र है उसी से सटे बिंदु का उपयोग करेगा, उसी से सटे बिंदु का क्या करेगा, उपयोग करेगा, और ये जो उद्देश्य फलन है इसमें एक्स वाई का मान रख के देखेगा किस बिंदु पर जेड का मान कम आता है, न्यूनतमीकरण होता है, किस बिंदु पर जेड न्यूनतम होता है। तो देखो ये दो पॉइंट तो आपको मालूम है, मालूम है ना, ये पॉइंट बी क्या है 0.5, ये पॉइंट डी क्या है 0.6, लेकिन तुमको क्या मालूम नहीं है, ये ना मालूम नहीं है। तो बोलो ये इस पॉइंट का मान कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये जो समीकरण 1 और 2 है इसको कटा के मान लाएगा, तो वही ना इसका कॉमन पॉइंट होगा जी। तो कटाने के बाद कितना मान आया है, 4.3। अच्छा यहाँ पर हम कटा लेते हैं कितना होता है, दोनों समीकरण बोलो, ये 3x जोड़ 4y बराबर क्या है 24 है ना, ये x प्लस क्या है 2y बराबर 10 है ना। तो अब देखो इसमें कितना गुना करेगा, 3 या 2, तो 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो गया 2x प्लस 4y, अब ये आपको 20 हो गया, 3x प्लस 4y ये क्या हो गया 24, ये कट गया 2x में 3x गया, क्या होगा -x, 20 में से 24 जाएगा तो क्या होगा -x का मान क्या हुआ 4 हुआ, लेते हैं 4, 3 में रख दो मान, तो चलो x का मान रखो 4, तो 4 किया क्या हो गया 12, उसके बाद 4y बराबर क्या हो गया 24, 4y बराबर क्या हो गया ये 12, 24 में से घट जाएगा 12 होगा ना, 4 किया 12, y का मान क्या आया 3। तो देखो इस कॉमन पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा 4 और 3, 4 3
चार तीन हो गया ना, तो चलो और जो मैक्सिमाइज यहाँ पर मिनिमाइज है तो मिनिमाइज वैल्यू निकालेगा तो किस किस पॉइंट का सहारा लेगा, पॉइंट को यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका जो है हल क्षेत्र आपका क्या हो गया बोलो, इसका नाम हम पी रख देते हैं, क्या रख देते हैं पी, तो इसका हल क्षेत्र आपको क्या हो गया इसका पी, ये देखिए बी पी बी बी समझ गया ना, रंगे वाला क्षेत्र श्यांकित भाग इसका क्या हो गया फिजिबल रीजन क्या हो गया बी पी डी, कितना उतार लिया है ये सब उतारा है नहीं, इसको उतार लीजिए उसके बाद देखते हैं सर बी कैसे, ये बी हो गया ना बी पी डी बी समझ गया ना, और दिक्कत है अब देखिए तो बिंदु आपको पॉइंट तो बी न है जी, तो बी का मान आपको क्या हो गया 0.5 ऐसे, फिर देखो क्या है पिन है तो उसके बाद क्या है 0.6 उसके बाद क्या है, अब तो सब पॉइंट हो न गया सिस्टम के नंबर सिस्टम तो इसका क्या पूछे वही नंबर सिस्टम आप बोलिए क्या नंबर सिस्टम में बताया कौन बता दो कौन तो ये आपको हो गया 25 इसमें देखो चार रखेगा तो दो चौके 8 प्लस ये 5 दिया 15 8 क्या हो गया 2300 उसके बाद देखो जीरो रखेगा जीरो हो गया 54 30 3000 अब देखो जेड का मान किस बिंदु पर कम प्राप्त हुआ है, जेड का सबसे कम मान किस बिंदु पर आया है 4.3 हो गया, तो यहाँ पर लिखेगा जेड इज मिनी माइज एट पॉइंट पी 4.3 तो जेड का न्यूनतमीकरण किस पॉइंट पर होता है 4.3 पी, और पी का निर्देशांक क्या हो गया 4.3 यही निकालना था, मिनिमाइज वैल्यू क्या हो गया मिनिमाइज वैल्यू क्या हो गया बोलो 3000 हुआ कि 2300 हुआ, ओ सॉरी मिनिमाइज लिख रहे हैं अच्छा इसी में देखो दोनों चीज मिनिमाइज का था ना, जब मैक्सिमाइज मांगता तो बोलो मैक्सिमाइज क्या होता वैल्यू 0.6 होता है समझ गया ना बिंदु और ये पॉइंट क्या होता 0.6 नंबर ये हो जाता डी पॉइंट डी हो जाता 0.6 और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल लेगा ना यस सर, देखो इक्वेशन बनाने के लिए जानता है तो आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालेगा, इक्वेशन बनाने के लिए नहीं जानता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालेगा, उतारिए